नमस्कार, मैं मंगल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल माई कंप्यूटर क्लासेस में। चलिए आज क्लास शुरू करते हैं। आज क्लास में अपन इंग्लिश टाइपिंग के बारे में सीखने वाले हैं और आज इंग्लिश टाइपिंग का दूसरा दिन है। फर्स्ट दिन अपन ने ये वाला जो होम रो है इसके बारे में अपन ने सीखा था कि होम रो की प्रैक्टिस कैसे करते हैं। आज क्लास में अपन टॉप रो की प्रैक्टिस कैसे करते हैं वो अपन सीखने वाले हैं। तो जिस तरह से अपने होम रो की प्रैक्टिस की थी उसी प्रकार से टॉप रो की प्रैक्टिस भी अपन करेंगे। तो होम रो में जैसे अपन ने इस वाले फिंगर से ए एस डी और एफ, इस वाले से एस ए, इससे एस, इससे डी और इससे एफ प्रेस किया था। इस प्रकार से इससे जे के और इससे एल और इससे सेमी कोलन पर प्रेस किया था। ठीक उसी प्रकार से अपन इनसे ऊपर वाली यूज़ करेंगे। तो जैसे इस वाले से छोटी वाली उंगली से क्यू, इससे डब्ल्यू, इससे ई और इससे आर। फिर इससे आपको आर भी प्रेस करना है इस वाले से और टी भी प्रेस करना है। दोनों वर्ड इसी से ही प्रेस होंगे, आर और टी। फिर इधर वाली उंगली में ये जो जे, यहाँ पे जो उंगली रहेगी जे वाले पे, ये वापस ऊपर आएगी और यहाँ पे यू और वाई ये इसी से प्रेस होगा। यहाँ से पी ओ आई और यू और वाई इस वाले से प्रेस होगा। जैसे मैं आपको टाइप करके बताता हूँ, क्यू डब्ल्यू ई आर टी स्पेस, स्पेस हमेशा थम से लगाना है आपको, राइट थम जो है उसी से लगाना है। दोनों से लगाओगे तो कन्फ्यूजन हो जाता है बहुत सी बार, तो हमेशा राइट वाले थंब से ही प्रैक्टिस करनी है और आपको आदत इसी की करनी है हमेशा। तो क्यू डब्ल्यू ई आर टी अपने पांचवी वर्ड यहाँ से ले लिए, क्यू डब्ल्यू ई और आर इससे चारों उंगलियों से हो गए और टी इससे, तो आर और टी दोनों इसी से लेने हैं आपको। फिर स्पेस लगाना है और फिर इधर से टाइप करना है ये वाले उंगली से पी ओ आई यू वाई, पी ओ आई यू और वाई इससे दो वर्ड टाइप होंगे। आपको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करनी है, क्यू डब्ल्यू ई आर टी स्पेस पी ओ आई यू वाई, क्यू डब्ल्यू ई आर टी स्पेस पी ओ आई यू वाई, क्यू डब्ल्यू ई आर टी स्पेस पी ओ आई यू वाई। आपको एक पेज टाइप करने के बाद में इसी एक पेज इसी स्पीड से टाइप करना है आपको, और फिर दूसरे पेज में आपको स्पीड बढ़ानी है, फिर तीसरे पेज में भी आपको इंक्रीज करनी है। तो कम से कम का आपको तीन चार पेज तो आपको टाइप करने हैं और हर पेज में आपको थोड़ी टाइप में स्पीड बढ़ाने की कोशिश करनी है। और ये जो आपको वर्ड टाइप याद करने हैं वो आपको फिंगर को याद होना चाहिए, ताकि तभी आप ऊपर देख के टाइप कर पाओगे आपको कौन सा वर्ड कहाँ पाता है। तो क्यू डब्ल्यू ई आर टी स्पेस पी ओ आई यू वाई, क्यू डब्ल्यू ई आर टी स्पेस पी ओ आई यू वाई, तो आपको स्पीड बढ़ानी है, क्यू डब्ल्यू ई आर टी स्पेस पी ओ आई यू वाई, क्यू डब्ल्यू ई आर टी स्पेस पी ओ आई यू वाई, क्यू डब्ल्यू ई आर टी स्पेस पी ओ आई यू वाई। तो जितनी आप स्पीड बढ़ा सकते हो धीरे धीरे स्पीड बढ़ानी है। एक पेज तो आपको नॉर्मली टाइप करना है और फिर दूसरे पेज में थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी है, फिर तीसरे में थोड़ी और स्पीड बढ़ाने की कोशिश करनी है। इस टाइम की प्रैक्टिस ऐसे करनी है आपको, फाइव वर्ड इधर से लेने हैं आपको, लेकिन फोर उंगली से यहाँ से ये रहेगी और यहाँ से ये टाइप करने हैं। फिर आपको इससे दो लेने हैं, जैसे अपन ने इसमें लिए थे एफ और जी इससे आते हैं, इस वजह से आर और टी भी इसी से आते हैं, सेम इससे आते हैं जे और एच, उस प्रकार से यू और वाई भी इसी से आएंगे। तो आप यहाँ से इनको टाइप कर सकते हो, या आप चाहो तो पूरे हाथ को यहाँ रख के आप पहले इसको प्रैक्टिस कर सकते हो और फिर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, फिर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो। लेकिन अलग अलग प्रैक्टिस करोगे तो फिर वापस आपकी आदत पड़ जाएगी, इसलिए आप मैं कहूँगा कि आप यहीं पर उंगली को रखना है चारों को, और आपको लेना है ऊपर से तो क्यू, तो ऊपर से ही ले, यहीं से उंगली से आपको रखनी है और यहीं से उंगली से ऊपर से लेना है आपको क्यू डब्ल्यू ई आर टी, ऐसा प्रैक्टिस करनी है और ऊपर से लेनी है आपको, फिर यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है क्यू डब्ल्यू ई आर टी स्पेस पी ओ आई यू वाई, क्यू डब्ल्यू ई आर टी स्पेस पी ओ आई यू वाई। क्योंकि आप जब भी आप तीनों पर प्रैक्टिस कर लोगे और फिर आप ऊपर कोई सा वर्ड आपको टाइप करना पड़ेगा, तो फिर आपका हमेशा होम रो के ऊपर ही आपके ये जो आपका हाथ रहेगा यहाँ पे उंगलियाँ जो रहेगी आप होम रो के ऊपर रहेगी। फिर आपको अगर यहाँ पे यू चाहिए तो आपकी उंगली यहाँ पे जाएगी और वापस यहाँ पे उंगली वापस यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पर जैसे आप उंगली प्रेस करोगे यू, वापस आपकी उंगली यहाँ पर आ जाएगी। फिर जैसे आप आई प्रेस करोगे यहाँ से उंगली से, वापस आपकी उंगली यहाँ पर होम पर आ जाएगी। जैसे आपका काम पूरा हुआ वापस होम आ जाएगा, आपके होम पर वापस आ जाना आपको, तो यहाँ से ये हो, इसलिए आपको इसको होम रो बोला जाता है, जैसे कि मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था। तो आज क्लास में अपन ने क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाली जो पूरी लाइन है इसकी अपन ने प्रैक्टिस की। नेक्स्ट क्लास में अपन जेड एक्स सी वी बी वाली जो लाइन है उसके अपन प्रैक्टिस करेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।